दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने जनता को लाइन पर लगा दिया और भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर अपने दोस्तों को बचाया। अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए नोटबंदी पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी अगर कालाधन ही खत्म करना चाहते थे तो सबसे पहले स्विस बैंक में जमा काले धन पर कार्रवाई करते। केजरीवाल ने ये भी कहा कि मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर जनता को बरगलाया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की इस रैली को 2018 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। केजरीवाल करप्शन और व्यापम जैसे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में हाथ जमाने की कोशिश में हैं। भाजपा और कांग्रेस एक ही परिवार के लोग हैं, दोनों में मियां बीवी का रिश्ता है। दोनों ने सेटिंग कर रखी है, 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब हम लूटेंगे, जब हमारी बारी आएगी, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब तुम्हारी बारी आए, तुम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। इन दोनों ने पार्टियों ने सेटिंग कर रखी है दोस्तों। ये जो नोटबंदी का घोटाला है, 8 लाख करोड़ का घोटाला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जो इन्होंने लूट मचा रखी है, इसका प्रचार आप लोगों को करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे करो, अपने अपने गांव में जाके करो, अपनी अपनी गली मोहल्ले में सबको जाके बताओ कि किस तरह से पूरे देश का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मीडिया वाले इसको कभी नहीं दिखाएंगे, मीडिया वालों को कंट्रोल कर रखा है मोदी जी ने। लेकिन जब इस देश की जनता जाग जाती है तो बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाती है दोस्तों। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।